हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कॉलर ब्लाउज में शोल्डर और आर्मोल कितना लेना चाहिए। 30 इंच से 50 इंच तक हम कॉलर और आर्मोल कितना लेना चाहिए तो वो बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका चेस्ट 30 इंच का है तो आपको शोल्डर लेना है 11.5 इंच और आर्मोल लेना है 5.5 इंच। अगर आपका चेस्ट 32 इंच का है तो आपको शोल्डर लेना होगा 12.5 इंच और आर्मोल लेना है 6 इंच। अगर आपका चेस्ट 34 इंच का है तो आपको शोल्डर लेना है 13.5 इंच और आर्मोल लेना है 6.5 इंच। अगर आपका चेस्ट 36 इंच का है तो आपको शोल्डर लेना है 14.5 इंच और आर्मोल लेना है 7 इंच। अगर आपका चेस्ट 38 इंच का है तो आपको शोल्डर लेना है 15.5 इंच और आर्मोल लेना है 7.5 इंच। अगर आपका चेस्ट 40 इंच का है तो आपको शोल्डर लेना है 16.5 इंच और आर्मोल लेना है 8 इंच। अगर आपका चेस्ट 42 इंच का है तो आपको शोल्डर लेना है 17.5 इंच और आर्मोल लेना है 8.5 इंच। अगर आपका चेस्ट 44 इंच का है तो आपको शोल्डर लेना है 18.5 इंच और आर्मोल लेना है 9 इंच। अगर आपका चेस्ट 46 इंच का है तो आपको शोल्डर लेना होगा 19.5 इंच और आर्मोल लेना है 9.5 इंच। अगर आपका चेस्ट 48 इंच का है तो आपको शोल्डर लेना होगा 20.5 इंच और आर्मोल लेना है 10 इंच। अगर आपका चेस्ट 50 इंच का है तो आपको शोल्डर लेना है 21.5 इंच और आर्मोल लेना है 10.5 इंच। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह से देख के कॉलर ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपका कॉलर ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, मैं मिलती हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।